कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया, और जिनका हक था उनका हक सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई।